बताया केंद्र सरकार का प्रस्ताव, कृषि मूल्य आय की स्वायत्तता को बताया निराधार, सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग। नोएडा के परतला चौक पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश की मौत, मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार, घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतक बदमाश के पास से AK-47 और 315 बोर की राइफल बरामद की गई है। मृतक बदमाश दिल्ली और NCR की कई वारदातों में शामिल था। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चाकुओं से गोदकर एक 16 साल के युवक की हत्या, पड़ोसी युवक पर लगा हत्या का आरोप, मृतक युवक जमानत पर जेल से बाहर आया था। इस हत्या के पीछे दो गुटों की रंजिश बताया जा रहा है। मृतक युवक सामान लेने बाजार गया था, रास्ते में तीन आरोपी युवकों ने उसे घेर लिया और चाकुओं और डंडे से उसकी हत्या कर दी। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद, ट्रॉनिका सिटी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक शख्स को मारी गोली, घायल शख्स GTB अस्पताल में भर्ती।